अरे भाई तो जाने दीजिए, अरे आप अरे भाई आवे मार रही है आराम से क्या नहीं। अरे भाई आराम से आज आप कहाँ जा रहे थे, क्या दिशा रही है? देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बासगांव के प्रधान की दिन दहाड़े गोलियां मारकर जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है उस सिलसिले में उनके परिवार को सांत्वना पर भेंट देने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन ने मुझे यहाँ आजमगढ़ ज़िले के इस गौरा बादशाहपुर के इस चौक पर मुझे रोक रखा है। मैंने अभी उनको कहने जा रहा हूँ कि अगर आप 15 मिनट में मुझे यहाँ से रवाना करें या तो फिर हम पैदल यहाँ से फिर बासगांव की ओर निकलेंगे। क्या कह रही प्रशासन आपको? जिला प्रशासन कहे कुछ नहीं रही, आप नहीं जा सकते, आप लालगंज के गेस्ट हाउस में चलिए, आपके अरेंजमेंट वहाँ, हमको हम गेस्ट हाउस जाने के लिए आए ही नहीं हैं। हम तो हमारे दलित समाज के पीड़ित परिवार को मिलने के लिए यहाँ आए हैं। एक दलित समाज का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, महाराष्ट्र का ऊर्जा मंत्री होने के नाते मैं उस परिवार को मिलने के लिए मैं आया हूँ, ना कि किसी रेस्ट हाउस में आराम करने के लिए आया हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ पर पूरी तरीके से कानून सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है, कोई भी सही ढंग से संविधान को फॉलो नहीं कर रहा। श्री राजीव गांधी जी जो जिनकी आज जयंती है दिवंगत पंतप्रधान की, उन्होंने दलितों के लिए जो सुरक्षा कानून बनाया था उसको भी ये नकार रहे हैं। अभी तक गुनहगारों को पकड़ने का पता नहीं है, समाज के उनके परिवार के लोगों को
कोई उनकी व्यवस्था की गई उसके बारे में पता नहीं है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून किसी भी प्रकार से काम नहीं कर रहा, निरस्त है। ऐसी सरकार को यहाँ मौजूद रहना ही रखना ही सरासर गलत है।